तो सैमसंग A52s 5G को सैमसंग ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया है। तो कितने साइज का है अपडेट फाइल, क्या कुछ इस अपडेट में इम्प्रूवमेंट्स किया गया है, क्या कुछ इस अपडेट में नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, सब कुछ मैं डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा सैमसंग One UI 6.0 का अपडेट कब तक मिलेगा, टेस्टिंग चल रही है या फिर नहीं, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अपडेट फाइल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 237.19 MB का अपडेट है। अगस्त 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है और इस अपडेट में सैमसंग ने डिवाइस को लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्ट कर दिया गया है। साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया और फीचर्स को इन्हांस किया गया, डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है इस नए अपडेट के अंदर। तो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है जो कि हर महीने सैमसंग रोल आउट करता है। तो इस महीने भी अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट रोल आउट किया गया है और माइनर बग फिक्सेस किए गए हैं दोस्तों, जो बग्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ बग्स को फिक्स किया गया है, तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। अब बात करते हैं One UI 6.0 अपडेट की। तो देखिए, रिसेंटली सैमसंग ने S23 सीरीज के लिए बीटा अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है One UI 6.0 का एंड्रॉयड 14 के साथ। तो सैमसंग ने फाइनली और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस के ऊपर टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर सैमसंग A52s 5G के ऊपर कल ही एक फर्मवेयर को टेस्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर जो कि 15 अगस्त को टेस्ट किया गया है और अपडेट टाइप में One UI अपडेट बता रहा है। तो टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये जो अपडेट है वो हमें नवंबर के स्टार्टिंग तक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हो सकता है कि बीटा अपडेट भी सैमसंग रोल आउट कर दे, तो देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स भी आने वाले हैं। इस बार सैमसंग नोटिफिकेशन पैनल को रीडिज़ाइन करेगा, क्लॉक स्टाइल हमें काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे लॉक स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में क्लॉक को चेंज करते समय आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आने वाला है, तो वेट कीजिए। और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।